दो दिन बाद 2 मई को देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, दक्षिण में किस राज्य में सत्ता बदलने वाली है और क्या असम में फिर भगवा लहराने वाला है। देश और राज्य की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजे में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, टीवी 9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के कुल 292 सीटों में से टीएमसी को 142 से 152 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट और उसकी सहयोगी पार्टियों को 16 से 26 सीटें मिल सकती है। असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। टीवी 9 और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में असम में 126 सीटों में से एनडीए को 59 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 55 से 65 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। दक्षिण में इस बार सत्ता बदलने वाली है। 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजे में तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 143 से 153 सीटें मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिल सकती है। अन्य को 2 से 12 सीटें मिलती दिख रही है। केरल में इस बार फिर मौजूदा सीएम पी विजयन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में 140 सीटों में से एलडीएफ को 70 से 80 सीटें मिल सकती है, जबकि यूडीएफ को 59 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है। पुडुचेरी में इस बार एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल में कुल 30 सीटों में से एनडीए को 17 से 19 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए को 11 से 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। पटना में कोरोना की नई गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस की टीम सुल्तानगंज थाना के शाहगंज इलाके में दुकानदारों को मास्क पहनने और दुकानों को बंद करने के लिए कह रही थी। इसी को लेकर भड़के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बिहार में नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शाम 6 बजे के बजाय शाम 4 बजे ही बाजार और दुकानें बंद करना है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक डॉक्टर और उसके स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये डॉक्टर और उसके कंपाउंडर कोरोना पीड़ितों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह सेलाइन का पानी बेचकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। एक मरीज के परिजन ने जब इनसे लिए 6 इंजेक्शन दूसरे डॉक्टर को दिए तो जाँच में ये खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के पुणे के पिंडरी चिंचवड़ से इंसानियत शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 1.5 साल का एक बच्चा अपनी मां के शव के पास 2 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन कोरोना हो जाने के डर से किसी ने भी उसे नहीं छुआ। आखिरकार 2 महिला सिपाहियों ने बच्चे को वहां से हटाया। बच्चा फिलहाल ठीक है। मृत महिला का पति पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश गया है। कोरोना काल में मुंबई में ब्रेन हैमरेज का शिकार महिला और उसके पति ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की है। पास्कल की 51 साल की पत्नी रोजी पिछले 5 साल से बिस्तर पर है। लोगों की परेशानी सुनकर रोजी ने अपने पति से उसकी ज्वेलरी बेचकर लोगों को ऑक्सीजन और दूसरी मदद करने की गुजारिश की। पास्कल अपनी पत्नी के गहने बेचकर लोगों को ऑक्सीजन और खाना पीना पहुंचाते हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।